肠胃。好的，啊，这里 question number 32का statement अलग है, figure अलग है। figure हम बना देते हैं। next sheet में figure है आपका। भेज दिए। क्या लिखा हुआ है सुनिए। दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंगल ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब सर ध्यान देखिए, एंगल ए सी बी का इंटरनल एंगल कौन सा है, ये वाला, और एक्सटर्नल कौन सा है, ये वाला। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक ये, ठीक है, बिंदु डी पर मिलती है, बिंदु डी पर मिलती है, यहां पर बिंदु डी पर मिलती है, ठीक है। और क्या बोला गया, ए सी बी, ए सी बी और एंगल ए बी सी का बाह्य समद्विभाजक, एंगल ए बी सी का, यहां देखिएगा एंगल ए सी बी का, सॉरी ए बी सी का, ये हो गया मेरा इंटरनल एंगल और ये हो गया मेरा एक्सटर्नल एंगल, और इसका समद्विभाजक कौन है मेरा, ये, ठीक है, और ये दोनों, सर ये दोनों है मेरा एंगल बाइसेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों मेरा दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। पूछा गया है कि बताइए एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये निकालना है हम लोग को, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, समझ में आया, कैसे कैसे, उतना थोड़ी करना सचिन, हाँ वो तो भाई तभी तो ए निकालना पड़ेगा, ए कैसे कैसे निकलेगा, हाँ हाँ ये सही था। अनुज कैसे निकलेगा, जो मर्जी जो दिमाग में आ रहा है सो बताइए कैसे निकलेगा, नीतीश कैसे निकलेगा, दिमाग में जो आ रहा है सो बताइए, सुजीत, हाँ ए और सी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ए और सी का जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो इसके बराबर होगा, अगर ये 130 है तो अंदर में ये कितना होगा मेरा 50, ये 50 होगा, और अगर ये 50 है, ये 105 है, इसका मतलब ये मेरा कितना होगा, ये 55 डिग्री होगा, ठीक है, ये 55 डिग्री है, ये 50 है, तब जाकर के ये कितना 105 है, एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये समझ में आया सर, अगर ये 55 है तो ये कैसे बना है, एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो ये जो है सो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा इसका आधा,
ठीक है, ये हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा मेरा 27.5। समझ में आया ये वाला? ठीक है, उतारिए इसको। देख लेंगे, आइए। राजू छोटला ले, क्वेश्चन पार हो गया बाबू, ध्यान देना चाहिए ना टाइम पे। सार्थक कितना आया किसका? अरे यार, अरे नहीं, हम 31 बना दिए, 31 नंबर फिगर, इतना माइनस फिगर बना है यार, 31 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं। कहा है वो मिटाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, माधा खराब सब, इतना अच्छा मस्ती से मन लगा फिगर बना रहे थे भाई, हो गया ना इला। के शराब दिए, इतना अच्छा बात है ना, बोला दुदू बनाएंगे साला फिगर वा, एक आप लोग बनाइएगा उसके बाद फिर हम बताएंगे। किसी का आया क्या अगला आंसर? कितना सार्थक, कितना बोले थे? 40। ठीक है, देख ले। और किसी का? चले यहाँ देखिए यार, देख पहले अपने दिमाग लगाइए, हम डायग्राम बनाते हैं। ना आने रे, अरे आइए, क्या बोले नहीं आएंगे? रतिया में भुजिया बना के खा रहे थे, चलिए यहाँ देखिए अब बताते हैं। अरे 8 तक पहुंच जाइए आप लोग हो, फिर भी 8 तक पहुंच जाइए, समझे, रिक्वेस्ट है आप लोग का, वरना ज्योमेट्री हम जब तक 1.5 घंटा क्लास नहीं लेंगे आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। चलिए बनाए इसको, याद है कि अब स
सब लोग यहां पर ऊपर 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 देखिए, हाँ आया गया आंसर जी। देखिए दिए गए चित्र में, दिया गया चित्र है जो मेरे द्वारा बनाया गया है, एंगल बी ए सी कौन कौन सा है, बी ए सी एंगल बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, एंगल बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक कौन है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं समझ में आता है ना क्या होता है सो सुजीत, उसका मतलब क्या होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसका मतलब क्या होता है, देखे 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 भर भर के बताएं रमेश, मतलब क्या होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब, आंतरिक कोण समद्विभाजक, हाँ अरे आंतरिक कोण समद्विभाजक एक कोण को एक लाइन, एक ऐसा लाइन जो दो बराबर भागों में दोनों को बांट दे, तो कहाँ ध्यान हुआ पता रहे घर रिविजन रिविजन नहीं करते है क्या। देखिए यहाँ पर पूछने होगा मेरा, ये है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक दिया हुआ क्या है, जबकि भुजा सी डी बी सी ए का बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये जो कौन है सी डी, ये बी सी किसका एफ का बाह्य कोण समद्विभाजक है। आइए 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 चलिए यहां देखिए, अब हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें, फिगर समझ में आया सबको, ठीक है। ए और ये क्या लिखा था, ये कौन सी है यहां पर पूछना है, कहा था क्या है एम रखते हैं इसको, ए एम जो है वो क्या है मेरा आंतरिक कोण समद्विभाजक है, और यहां पर सी एम जो है वो मेरा का क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक। सर दोनों को आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं ना, ठीक है, ये समझ में आया कैसे ले गए सो। सर अगर ये थीटा है, बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी होगा थीटा, आइए अभी सबको डोज पड़ा है ना इसीलिए, कोई बात नहीं शिल्पा, होता है लेट क्या बिजनेस, लड़िया करें अपनी मजा आता है ना सबके। हम नहीं ये काम करते कि जो मंच बना है ना, है ना, हम रेफरी बन जाते हैं और फेटाफेटी कीजिए, हम एक दो तीन गिनते हैं, है ना, जो कबड्डी याद हो दिलाई राखी तकलीफ होता है, ठीक है। अच्छा से लगेगा राखी नीचे आ रही थी, सौरभ भी नहीं पूछता है कैसे, सौरभ पूछता है हार गई। राखी बोलती है घाघोर बेइज्जती है भाई। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन पार हुआ है लेकिन सौभाग्य की बात है कि रिकॉर्ड हो चुका है। अगर ये थीटा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो एम क्या होगा, थीटा, हाँ हमको थीटा सुना दिया, बाय टू ने सुना दिया था, तो ये क्या होगा मेरा थीटा बाय टू होगा ना, ठीक है। अब ये जितना भी सब दिया ना लेंदी फेंदी सबको भूल जाइए, हमको थीटा निकालना है ना। एक ट्राइंगल को देखिए, इसको
एक प्यारा सा बच्चा सा ट्राइंगल को देखिए, यहाँ एफ है, एम है और ये डी है। ये है एक्सटर्नल एंगल, इसको बनाए हम लोग थीटा, इसको बनाए हम लोग थीटा बाय टू, इसको बनाए हम लोग 60 डिग्री, यही है। सर ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, होगा ना? ये थीटा प्लस थीटा बाय टू 3θ/2 होगा, दो आएगा एलसीएम। देखिए थीटा प्लस थीटा बाय टू, इसी का मान क्या है मेरा 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, 3θ/2 इज इक्वल टू 60। ये गया 20 बार में, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आया? किसी को भी दिक्कत इसमें नहीं है? करिए फटाक से। हाँ ठीक, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला बताया था क्रॉस, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा है ना, तो ये थीटा हुआ। और ये इंटीरियर एंगल बायसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर लंबा करने पर ये जो थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा बाय टू होगा। अब उसको उठा करके यहाँ रख दिए, इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है किसके बराबर है, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना, तो थीटा प्लस थीटा बाय टू इज इक्वल टू 60। अब समझ में आया? तीन तीन प्रॉपर्टी लगा इसमें। जेवियर्स कहा? हाँ, वो आपके फ्रेंड आए थे कल, तो बोले थे कि यही बैच में आएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए आस्था, बैठो, आए कर लीजिए, दिक्कत होगा क्या? बेंच को आए कर लीजिए, हल्का उठा लीजिए ना, बाकी बेंच को आए करने दीजिएगा, वहाँ आप कर लीजिए। कोना में बैठे में दिक्कत होगा समझ रहे हैं। आशा एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? संडे को, सैटरडे को, हाँ कल ही एग्जाम है ना, धनबाद सेंटर डिस्टर्ब कर रहा है क्या करे? चलिए यहाँ देखिए, अब अगला फिगर उतारिए, पहले हम फिगर बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो चैप्टर नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी का। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जो महीना का चावल होता है, और यहाँ पर मजाक कर रहे, मतलब 33 कितना नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो भी हो गया है, ठीक है, कर लिए थे? हाँ कल तो किए थे आप, 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बनाइए, अगला कम से कम देखिए तो ऐसा बनाते हो, कितना मेहनत करेंगे, कितना होगा? 160, वेरी गुड, पता नहीं हम भी देख लेंगे कि गरबा क्रॉस कर गया। चलिए आइए यहाँ पर, ये कितना ई, ए बी सी और डी, चलिए बतावे, उतार रहे हैं क्या? उतारिए, उतारिए, उतारी।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बता रहे। चलिए यहां देखिए, दिए गए चित्र में, नहीं कहां गया, हाँ ठीक, दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी, यहां देखिए एंगल ए सी बी ये वाला, एंगल ए सी बी ये वाला और एंगल कहां गया बी ए सी, ये बी ए सी ये वाला, ये दोनों का सम दिया हुआ है मेरा कितना 80, और अगर ये दोनों का सम 80 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा, ये सही है यहां तक। और दे दिया है बी डी ई, सर बी डी और ये ई कितना डिग्री है, ये है 35 डिग्री। और दिया हुआ है बी सी ई कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। कल ही हम सारा प्रॉपर्टी बताए थे, ये कैची बन रहा है यहां पर, ठीक है, अगर इसको मिटा दिया जाए तो ये इसको हटा देंगे तो ये कैची दिख रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, इसके इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। 45 प्लस 35 80 प्लस 80 कितना 160 डिग्री, शाबाश। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देना पड़ेगा। अच्छा इतना कमाते हैं, पार्टी तो बनता है, कैसे कमाते हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल है, फिर ये ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं ना, तब अंकित बोलते हैं ना आप सारा पैसा आ रहा है। दीपक कहा, एक वो दीपक, एक और दीपक, अजीत का तरफ से, अजीत की तरफ से आज पार्टी है, सबको सबको समोसा, 2500 कमाए हैं, नहीं दिए तो कुर्सियां फेंक देंगे अभी। अगला क्वेश्चन देख क्या लिखा हुआ है, 35 नंबर, यहां पर है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और कौन है सी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ए और डी है वो किस पे परपेंडिकुलर मार रहा है मेरा बीसी पर, ठीक है। फिर दिया हुआ है एंगल बी दिया हुआ है आपका 62, एंगल सी दिया हुआ है आपका 36, पूछा क्या गया है डी ए ई, पूछा गया है डी ए ई, कल बताया था ये प्रॉपर्टी इस तरह का, सर होगा क्या ये माइनस ये डिवाइडेड बाय 2, सर याद है ना, ठीक है, मतलब 62 माइनस 36 बाय 2, 12 में 6 गया 6, 5 में 3 गया 2, ऑप्शन है कि नहीं, और ठीक तो है तो यार, चलिए बड़े बड़ी काम आ रहा, 13 डिग्री, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी कल बताए थे b माइनस सी बाय 2, ये वाला कैसे निकलता है वो पूरा बता दिए थे हम, एकदम अच्छा से बताए थे,
और सबसे पहले जा करके आप ही लोग का वीडियो अपलोड किए थे परसों वाला और कल वाला। देखिए परसेंटेज तरफ से और रेशियो तरफ से हम डोज भी सुने, इसलिए आप लोग का फर्ज है कि वीडियो देखते रहे। एकदम नहीं हटेंगे, अभी हम झाक झाक के देखो, जैसे हटेंगे वैसे ऐसे झाकना। उतार रहे जिसको जिसको लात खाने मन कर रहा है वो पहले ही समझ जाए, एक कैमरा के सामने लात मारेंगे अच्छा नहीं लगेगा। साला चित्रकार बन जाएंगे हम। इला पूछा लीजिए, ठीक है यहाँ देखिए, अब ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया है, ये वाला पूछा है, किसका किसका दिमाग में आ गया कृपया हाथ खड़ा करें, कैसे बनेगा सो। क्यों दिया हुआ है, क्यों कहां दिया हुआ, आर दिया हुआ है, थर्टी सिक्स क्यू नंबर। अरे कौन सा बना दिए यार, अरे बड़ी फिगर है भाई, ठीक है सारा चित्रकार बढ़िया है, डाटा है लिखे, क्यों क्या दिया हुआ है, 84 और ये पूछा है बस, ठीक है 38 है ना, चलिए अच्छा इंग्लिश में 28 है और हिंदी 38 है, हाँ हाँ मेरा बात मानिए 38 ही मानते हैं, आप लोग बनाइए ठीक है, आज चेंज कर दिए मूड, आज आज हिंदी 14 में 8 गया तो 6, 7 में 3 गया 4, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना, अरे रुकिए ना रुकिए, पैसा मत दीजिए, जो फिगरों में लिख लेते हिंदी में मिस्टेक कर दे ले, क्या पूछा पीटी, द्विभाजक कौन है मेरा पीटी, और ये वाला पूछा है, ये वाला, चलिए 38 लेकर के ही बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, देखे खाली हम गलत नहीं होते, क्वेश्चन वो गलत होता है, फिगर समझ में आया क्या दिया हुआ है, सो क्या पूछा है मेरा, क्या है पीटी एस, अब पीटी एस कैसे निकलेगा सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए ये निकल जाएगा सबसे पहले 84 माइनस 38 कितना 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना 23, ये 23 हुआ,
और अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम भी कितना होगा? 90 होगा। तो 90 में 23 गया तो कितना बचेगा मेरा? 67। ऑप्शन में नहीं होगा तो ये कितना होगा मेरा? 67। बस यही आंसर। ना है तो बोल तो रहा है, नहीं है नया भी है बनाएंगे, आपने आप बना लीजिएगा। चलिए 28 बनाए, 38 बनाए। अबरी कौन फिगर है भाई? नहीं मिटाएंगे, ओकरे मिटाएंगे। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, वो बनाए पे सब लोग बढ़िया ना उसको बोला क्या लिखा हुआ है? सुनिए, ट्राइंगल मतलब ऊपर देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, फिर लिखा हुआ है क्यू इज ग्रेटर देन आर। सर क्यू जो है सो इससे आर से क्या है मेरा? बड़ा। इसका मतलब 90 डिग्री इसी के सामने खींचाएगा, ये सही है। उसके बाद बोला है पी एस एंगल पी का समद्विभाजक। सर पी एस जो है ये पी एस एंगल पी का क्या है मेरा? समद्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर बोला गया है पी टी आर क्यू पर परपेंडिकुलर, पी टी आर क्यू पर क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। दिया हुआ है एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी दिया हुआ है मेरा 28, आर दिया हुआ है मेरा 23। अभी ये निकालना है, हर बार ये और ये देता था, अभी ये निकालना होता था, अभी ये और ये दे दिया है, ये निकालना है। सर मैं ये वाला तो क्या होगा यहाँ पर? Q माइनस आर बाय टू इज इक्वल टू एंगल टी पी एस, ये वाला होगा टी पी एस। ये समझ में आया कैसे लिखे? सो कहे थे b माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू ये वाला, तो q माइनस आर, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये लिख दिया है q माइनस आर डिवाइडेड बाय टू, वो क्या होता है मेरा? सर ये वाला होता है टी पी एस और एस पी टी, बराबर है ना। तो q निकालना है हम लोग को, माइनस आर कितना दिया हुआ है? r है 23 बाय टू और ये कितना है? 28 दुनी 56 और ये उधर जाएगा प्लस 23, कितना? 79। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 70। ऑप्शन में है क्या? ठीक है, आज हमरो नेट खत्म हो गया, याद ही नहीं रहता है, भराना भी पड़ता है जियो फाइबर जब से लगा है। सिम देता है क्या? पता नहीं, पता नहीं हमारा घर से ही कॉल करके कौन कीजिए सर? क्या जी कुछ नहीं, सेकंड बैच में तो आखिरी दिन हुआ ना कल,
तो ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा, आंधे यही होगा। क्या नाम से थोड़ा क्या बताइए ऐसा क्या है? ऐसा क्या है भाई जो बता रहे हैं? वन टू देखो हाँ नहीं ना काम नहीं हुआ और क्या अगला क्वेश्चन देखिए किसी का आंसर आया क्या। क्या कर रहा है यश क्वेश्चन देख अच्छा जल्दी बना। तो हम है तब वो हम है उसके बाद भी हम है यहाँ के बनाइएगा कोई बात नहीं हम बोलते हैं आपको बनाने वहाँ फेले नहीं है। अच्छा बोले आपको बनाना है तो आप नहीं दिए अरे नहीं सुने थे बच्चे नहीं थे याद नहीं रहा होगा हमको। अच्छा ठीक है आप जो बोलिएगा ना बोलिएगा मैं आग दे देंगे ठीक है। ये पूरा क्लासरूम ही आपका बोलिए तो बोर्ड पहुँचा दे वहाँ तक क्या तेरा न कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 38 पता नहीं बाबू देख रहे हैं हो सकता है सही हो यू आर राइट हो गया बंद कीजिए आ गया कितना आया 290 और आपका 250 सूरज आया सूरज सूरज प्रदीप आ 250 देख लेंगे आपके सपोर्ट में वो खड़ा हुए हैं छोटे लाल देखे वही तुम भी खड़ा हो जाओ 250 सपोर्ट कर रहा है आपका आए चाहे नहीं आए 250 ही सही होगा मजा रहा गलत हो जाए देखे कितना खराब लगता है जब कॉल लगाते हैं अरे
ना छोड़िए ना, लगाए थे सूरज प्रदीप को ऐसे हाथ में अलग ही जाएगा। नहीं यार एयरटेल गजब है, लेकिन देख क्या लिखा हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है कौन ट्राइंगल, कुछ न दिया लो, खाली फिगर में दिया ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा डी, ये है 70। कहाँ दिक्कत हुआ हो आप, तो किसने कहा गया, एक दो और तीन चार सूरज आ गया, शाबाश, हाजिर नहीं आया मुक्ति, दीपक नहीं आया, कितना आया कितना, 250 सही है, सचिन नहीं आया, रूबी राखी ममता नहीं आया, सालू देखिए आपके बारे में चुगली कर रहे हैं लोग, याद है कि यहां पर ये पूरा एंगल का, ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, इसका यहां से यहां तक ये पूरा 180 और यहां से यहां तक पूरा 180, कुल मिलाकर के 360 होगा ना, जिसमें से ये जो बुचुआ है ये वाला ये ईला ये सर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 110 होगा सर, ये 110 और 70 तब ना ये ट्राइंगल बनाएगा, ये वाला आपका 180, समझ में आया, ये पूरा यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक 180, कुल मिलाकर के 360 है ना, जिसमें से ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे जो कि कितना है मेरा 110, तो जो 250 आएगा वो क्या आएगा, ये ए बी सी डी आएगा, इसको और इसको हटा दिए बस खत्म। तब अगर ये यहां देखिएगा कहां बनाने जा रहे थे, नया बनाएंगे छोड़ी, ये समझिए सालू समझ में आया, हा? पानी तमिया पानी है क्या उसमें, बहुत पानी है भाई जियो, रोहित लेके आओ आ तेरा पानी भरने वास्ते कंपनी चाहिए क्या, नेक्स्ट फिगर भेज दिए ना, चलिए यहां से एक नया चीज बता रहे हैं जो कि आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, बतावे yes, चलिए सब लोग यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है, जब मर्जी तब हम टेस्ट ले लेंगे, उन्हें पता है हमको 5 क्वेश्चन देने का टेस्ट ले लेंगे, नहीं कल आपका संडे है, रोहित इनके तरफ से थैंक यू हम बोल देते हैं, बोल दिए हेलो क्या होता है पता है।
भागा। बना अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं बना नहीं। राजू समझ में आया ये वाला? छोटे लाल ये समझ में आया? देखिए मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से, एकदम पेन का लिखने का आवाज भी नहीं आना चाहिए, एकदम सुनिएगा मेरा बात को, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है? मेरे द्वारा एक बता देते हैं, ठीक है? अरे मेरे द्वारा से याद आया, गोलू बोलू कहाँ? ओ यही पर है, अजय को देखते मेरा चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। नहीं आ? ना ना, साथे रहते हैं, ठीक है? देखिए आप लोग को एक चीज बताते हैं कि अगर मेरे द्वारा ठीक है, मेरे द्वारा यहाँ पर अभी ज्योमेट्री हो रहा है ना, कुछ और बोले जा रहे थे, पहले कुछ और बोल रहे हैं। ज्योमेट्री कम से कम में तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है सर, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? इसीलिए एक दिन भी एब्सेंट कीजिएगा ना सर, तो अगला दिन वो बहुत परेशान करेगा। और सामने से लाइव और वीडियो में हल्का तो फर्क है, ठीक है? और वो फर्क आप लोगों को बहुत ही खराब लगेगा या समझ में नहीं आएगा, तो समझे? इसीलिए यहाँ पर रह करके समझना अच्छा रहता है। और हम एब्सेंट करते हैं क्या? तो जो आप लोग एब्सेंट हुआ कर जाते हैं कभी कभी, ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम पड़ जाता है ये बेरोजगार भरी जिंदगी में? हमको ये बताइए, ठीक है, कि आप लोग का टाइमिंग, आप लोग को पहुंच जाना है सर, हम मेरा मजबूरन वास्ते हम लोग, हमको 8:05-8:10 में चालू करना पड़ता है, 8:15 चालू करना पड़ता है। हम लोग की मजबूरी है। हाँ बड़का ना मजबूरी है, ठीक है? आपका क्या, आप तो मस्ती करके निकल गया, हम लोग का बैकग्राउंड चेक करो। 8 बजे आप लोग कृपया यहाँ तक पहुँच जाए सर। सुबह 7 बजे से नहीं चालू कर रहे, कहे कि सब मेरा कोई बहन है। अगर गलती सुबह 7 बजे चालू कर दिए ना, कितना कोचिंग रहेगा, सब सूता रहेंगे। नींद के आगे कुछ नहीं सुनेंगे, ये तो बात पता है आपको, ठीक है? लेकिन कंटिन्यूस लेट हो रहा है मिथिलेश का, आस्था का, गौतम का, राजू छोटे लाल का। रात में पढ़ाई करते हैं, सो नहीं पाते। कितना बजे सोते हैं? 2:30-3 ये 4 बजे सोता है ना? अब गाड़ी नहीं चलाता। नहीं नहीं, जिस समय आप लोगों के उम्र में थे ना, तब सुबह 5 बजे सोया करते थे, समझे? और भोरे 9 बजे उठ जाते थे, 4 घंटा हार्डली। और अभी भी 4 घंटा ही सोते हैं। आप लोग को उम्र में उस टाइप का मेहनत किए होंगे तब ये उम्र में पढ़ा रहे हैं। क्लास 10 में तबियत पार्टी मांग रहे हैं। एक अड्डा मैस ने रख ले, 1,00,000 रुपये से ऊपर है ना सर? मतलब क्या यहाँ पढ़ के रखते हैं नीचे पार? स्कूटी कौन को रहे हो? कृति का है, एगो आस्था का है, एगो मेघा का है। जब फुदकते फुदकते आ जाते, अरे बापा रिकॉर्डो होता है ना। सालू बोल रहे थे मेघा। अच्छा आ जाएगा, सालू बोलते साल, सालू मेघा का बोलते, पता नहीं मेघा दी कहा है, आ जाएगी फुदकते फुदकते। सालू के जिया जी भी ग्रुप में ऐड थे। हम्म,
अरे हम ही गलती से ऐड कर दिए थे। शुरुआत में इनके यही सही बात हुआ था ना, शुरुआत में इनके यही से बात हुआ था। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमको कौन बताया कितना ट्राइंगल है? पांच गो है, एक दो तीन चार पांच। यहाँ पर देखिए एक दो और ये वाला तीन, ये चार और ये बड़का पांच। तीन तो अंदर हो ही गया। हाँ, एक बड़ा वाला चार पांच। सी बी डी होगा ना, कौन वाला सी बी डी ट्राइंगल है भाई। ओहो वकालत, चले याद है कि अब यहां सुनिए, पूछा गया है कि ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी के बीच का रेशियो बताएं। यही पूछा गया है ना, एंगल ए और एंगल बी के बीच का रेशियो बताएं। किसी का बना क्या? कितना? आधा, 1/2। चलिए याद है क्या, याद समझिएगा। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है, ध्यान रखिएगा हम ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ये पता चल रहा है। तो यहाँ देखिएगा, एक ट्राइंगल बनाए हम ये वाला, ठीक है, ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए यही देख लीजिए, एक ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा मेरा, बराबर होगा। समझिए, सबसे पहले ये ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला, ये सब को हटा दीजिए, केवल ट्राइंगल देखते हैं ए डी और ई को, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग? ए डी और ई, ठीक है, ए डी और ई, जहाँ पर ये साइन दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये और ये मेरा क्या है, बराबर है। जहाँ मेरा ए डी और ई डी क्या है, मेरा बराबर है ना। अजय क्या बोले अभी हम? वेरी गुड, और क्या बोले? कनुमा मरोड़ देंगे इधर, साइड से यहां देखिए सर, साइड ए और डी और ई और डी बराबर है, जिसके कारण ये साइड के सामने वाला एंगल और ये साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा मेरा, बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है? तो सर अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सर अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला क्या होगा मेरा, टू थीटा होगा।
ये एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। समझ आया? ये 20 नहीं है, 2 थीटा है, ठीक है। चलिए अब अगर ये ट्रायंगल को हटा दिया जाए और ये ट्रायंगल देखा जाए, डी ई और सी, ये साइड बराबर है ना। इसका मतलब है इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल मेरा क्या है, 2 थीटा, और तो ये भी क्या होगा मेरा, 2 थीटा। समझ में आया ये कैसे हुआ सो? अब अगर यहां ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल को हटा दिया जाए, इसको हटा दे, इसको हटा दे, ठीक है, इसको हटा दिए। याद रखिएगा ट्रायंगल ए ई और सी, ट्रायंगल ए ई और सी, इसको लाइन से अगर एक्सटीरियर एंगल खींचा गया है तो ये किसके बराबर होगा, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 थीटा हो जाएगा। और फिर जब इसको ढक देंगे हम लोग, है ना, इसको ढक देंगे तो इसके सामने ये और ये साइड बराबर है, इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा मेरा, बराबर होगा। अगर ये 3 थीटा है तो ये भी क्या होगा, 3 थीटा होगा, ठीक है। कल पे आया तो अगर ये थीटा है और तो ये लास्ट में क्या निकला, 3 थीटा निकला। तो सर एंगल ए और एंगल बी का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, थीटा और ये 3 थीटा, थीटा से थीटा गया 1:3। हम दोबारा बता देंगे, ठीक है, हम दोबारा बता देंगे। ये सब क्वेश्चन पढ़ना होगा आप लोग को। सोच रहे क्या कि सब बिना पढ़े, सर खारी नौकरी इतना आसान थोड़ी रहे जी। अच्छा आपने 3 दिन पहले हम अनाउंस किए थे अपना पहला वो बैच में, थर्ड बैच में, आप लोग को ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा यहाँ पर आप लोग का बैच में, आप लोग का बैच में एक दिन भी अगर एब्सेंट किया गया ना, मेरे द्वारा किया तो नहीं गया है ना, लेकिन अगर एक दिन भी अगर एब्सेंट किया गया, ठीक है, तो वो महीना का आप लोग पूरा क्लास का फीस माफ। हाँ अगर एक दिन भी मेरे द्वारा एब्सेंट किया गया तो नहीं होगा। अरे शादियाँ तक पढ़ते रहे भी आगे, हम हल्दी लगा कर क्या गले गिर आएंगे, पानी रहे राखी का इतना हार, और नीचे बोलिए नीचे, इतना हार क्या गम का है ले रहे इतना। सौरभ कैसे बोला था, हार गई क्या, मजाक उड़ा था। अरे कोई वहां पहुंच गया सेमीफाइनल तक पहुंचा था कोई, कबड्डी का कब, कबड्डी का दुनू मोटके ने कबड्डी का कब ही नहीं जानता होगा। कितना बजा, आइए बच्चे बैठिए, बैठिए बैठिए ना, बस अभी चालू होगा। ये लोग का बैच है, मतलब ये लोग 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, ये लोग का बैच, इसमें रीजनिंग है और उसमें मैथ है। यहाँ बैठ जाइए ना, आइए ना, जगह नहीं है क्या, क्या हुआ, अरे कुर्सी कह रहा, अच्छा तो बैठता है वहाँ पर, आइए यहाँ पर जगह है, घुस जाएंगे अंदर। चलिए समझ में आ गया बोला, अरे दोबारा बताएं क्या ये वाला,
अब्दुल थ्रीटा एक बार बताते हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से। अरे थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, ये सब है ठीक है। आप लोग दोनों पीछे तो सीरियस होकर मत बैठिएगा, आप लोग बदिया सकते हैं आराम से, ठीक है, दोनों दोस्त से बदिया सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, वैसे न्यू स्टूडेंट लोग का ऑफर रहता है, जैसे ही नया स्टूडेंट आते हैं ना वैसे ही जो सब लोग मिल करके हम लोग कुर्सी बोतल आए ले वकील साहब। हाँ निकल जाएगा मुहादा अभी किसी के ऊपर आके फेंक दोबारा बोलेगा ऐसे चोरी मत सो मत। हमको याद थे मतलब मजाक नहीं करते ठीक है। मतलब कृति और ताबिया को भी देख लगता है कि कोई 12 साल में कुंभ मेला में बिछड़ा हुआ दोस्त है ठीक है। ये लोग सही है ठीक है, जब भी हम नहीं पढ़ाए जिस समय ना उस समय खूब गपी आई है, सही है, हम कभी गपी आने से मना नहीं करते हैं, बस खाली पढ़ाने टाइम उस समय देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ था देखिए यहाँ पर अभी, यस आगे देख, आगे देख रहे हैं। ये और कौन था, ये और ये बराबर था, यही था। यस, सबसे पहले ये ट्राइंगल पर गए, ये थीटा तो ये भी थीटा, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। किसी किसी का तो जिभों ने उलटता हुआ थीटा, ठीक है। तो ये एंगल सामने क्या है मेरा 2 थीटा और ये 2 थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए अभी अब कौन सा ट्राइंगल देखे, एंगल ये वाला, ये बड़का है, डी और ई है क्या, और ये बड़का वो देखे अगर तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये थीटा 2 थीटा तो ये मिला करके 3 थीटा, और अगर ये साफ छोड़िए ये सामने इसके सामने वाला बराबर तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये पूछा गया है तो 1:3। समझ में आया, क्लियर है, बस यही समझना था आप लोग को। क्या हो गया, नहीं दिया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर आए क्या आ गया था बात, ऐसा हो सकता है क्या हम लोग आपके पक्ष में सही होगा तो क्या होगा अरे पकड़ो मतलब कुछ हो, सही होगा तो 75 ही होगा वरना कुछ नहीं होगा, 75 भी आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। हाँ रूबी आया, रूबी आजकल बड़ी सात मार दिए, क्या बात। अच्छा हाँ क्या बोल रहे थे वहां का हल्दी का क्या था, हाँ ना ना मारेंगे। यहाँ पर सब ऊपर देखिए तो बोल रहे थे कि अभी ज्योमेट्री में अगर मेरे द्वारा एब्सेंट किया गया, ठोक दे ऊपर देखो, अगर मेरे द्वारा एब्सेंट किया गया तो आप लोग पूरा स्टूडेंट लोग का फी माफ कर देंगे 1 महीना का, कोई दिक्कत
ठीक है, लेकिन किसी का हिम्मत है ये हमको जवाब दीजिए तो, है ना। हम दे रहे भाई, अगर हम सह रहे भाई, इसमें 60 से 65 लोग हो गए होंगे, वो तो आते नहीं है, कोई हम इसलिए एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 60 लोग का माफ कर रहे हैं एवरेजली, इसका मतलब 30,000 का नुकसान करेंगे हम, है ना, 30,000 का नुकसान करेंगे अगर हम गलती से एक दिन भी एब्सेंट कर गए तो। ठीक है, सोच लीजिए। ठीक है, और किसी का हिम्मत है कि अगर एक दिन भी एब्सेंट किए तो डबल फी देंगे। चलिए, मेरा हिम्मत है ना, इसका भी है सर। सार्थक अजय, सौरभ यस, और अंकित है ना, मुक्ति। हम जवाब दे रहे सर, मेरे ऐसा आदमी एक दिन एक बार एब्सेंट किया, गौतम एक बार एब्सेंट किया, 30,000 का नुकसान सहेगा एक बार में। और अगर हम एक दिन एब्सेंट किए ना, तो सोचिए कि दूसरा बैच में एब्सेंट हो जाएगा, मतलब थर्ड बैच में 11 बजे वाला में, तो कुल मिला करके उसमें भी हमको एब्सेंट करना पड़ेगा, उसमें भी अपना कमिट दिए हैं अपना, और आज रात शाम में थर्ड वाला बैच में ही बोलेंगे, सॉरी लास्ट वाला 3 बजे वाला बैच में ही बोलेंगे। मजा है, सबको हिम्मत है, वो बुखार रहा जो रहा वो हम दवा खा के पढ़ाएंगे, वो मेरा प्रॉब्लम है, हम बैठ कर खड़ा रह करके बैठ करके पढ़ाएंगे, तेरा मुंह में नमक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर। त्रिभुज एबीसी में, सब ऊपर, त्रिभुज एबीसी में एसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी और सी, ए है और ये बी है और ये सी, आप लोग का डायरेक्शन कब खत्म हो रहा है उसमें, डायरेक्शन आज कौन सा, जीएस है कि क्या है, आज जीएस है, क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है ना, पॉलिटी कहाँ तो चला, एक आर्टिकल चालू हुआ, एक मिनट आर्टिकल चालू हुआ, आर्टिकल चालू होगा आज से, अच्छा पहले हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि पॉलिटी में ज्यादा स्पीड तो नहीं पड़ रहे ना, सुजीत समझ में आ रहा है ना अभी, अरे इसमें नहीं हो पा रहा है ना, काहे कि चल नहीं रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा बैटरी एक्स्ट्रा चार्जर सब फिट करना पड़ रहा है, सर बैटरी लो हो गया ना, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।